इन दिनों चुनावी रंग में भोजपुरी तड़का लगाने के लिए बीजेपी ने अपने नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल उर्फ निरहुआ को इन दिनों मुंबई बीजेपी के प्रचार के लिए उतारा है। गुरुवार को संगम नगर भरनी नाके पर बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन तमिल सेल्वन के प्रचार में पहुंचे निरहुआ को देखने भारी भीड़ पहुंची, जिसके बाद निरहुआ ने अपने भोजपुरी अंदाज में जनता से तमिल सेल्वन को वोट देने की बात कही। आपको बता दें कि संगम नगर उत्तर भारतीय बाहुल इलाका है। फिल्में बनाता हूं मैं अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए। उनको मजा आता है, वो देखते हैं, कुछ सीखते भी हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। देखिए दो रही से चुम्मा देता हूं, लेला भाई हमरो चुम्मा लेला। इतना प्यार आशीर्वाद लोग देते हैं तो हमारा ही कर्तव्य है कि जब बात उनके हितों की आए, जब बात उनके हितों की आए तो हमको वहां जाके खड़ा होना चाहिए, ये भी हमारा ही कर्तव्य है। हम भी झुग्गी झोपड़ी में ही रहे हैं। हमारे पिताजी कलकत्ता में नौकरी करते थे तो मैं भी झोपड़ी में ही रहता था, झुग्गी में रहता था, पढ़ाई करता था। तो मुझे पता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे भाई बहन, इनको क्या तकलीफें होती है, क्या दिक्कतें होती है। वही समझेगा ना जो रहा है, जे रहले ना खाली एसी का हवा खैले उ जान पाई हो, ओकरे समझ में ना आई। तो जब बात आती है उनके हितों की, जब बात आती है उनके हक की, तो उनके साथ खड़ा हो जाए वही असली हीरो होता है। अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाए। हमें तो आप देखते हैं ना टीवी पे, टीवी पे देखा वालो, तो हम तो टीवी वाले हीरो हैं, लेकिन आपके असली हीरो जो है वो कैप्टन साहब है। कैप्टन साहब आपके बीच में आते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं, और इन्होंने करके दिखाया है, ऐसा नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं, वहां सिर्फ वादा किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। इस पार्टी में रहने वाला हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, वो चाहे किसी पद पे हो या किसी पद पे नहीं हो, अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। ऐसी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और आप लोगों ने जो विश्वास दिखाया, आप लोगों ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई हिंदुस्तान में, तो जब एक मजबूत सरकार आपने बनाया तो एक मजबूत प्रधानमंत्री ने अपनी मजबूती भी दिखाया। दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया ना। वो हमारे दुश्मन देश का जो प्रधानमंत्री है, कभी कभी उनको बाई चढ़ जाती है, और जब उनको बाई चढ़ती है तो चिल्लाना चाहते हमारे और आपके हैं उतने ही चाहते, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के भी हैं। मुख्यमंत्री जी भी इनको बहुत मानते हैं, इनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय हो भैया, जय हो, लव यू, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जहां रहा लोग ऐसे ही चपले रहा लोग। तो मंच पे उपस्थित हमारे राजेश जी, कृष्णा रेड्डी जी, तमिल सेल्वम जी के प्रचार के लिए भोजपुरी फिल्मों के सम्राट, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी बहुत सारी सफल फिल्मों में काम किया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को
वहां पर समेटने का ऐसा यशस्वी काम किया है। ऐसे दिनेश लाल यादव जी हमारे बीच में हैं, आप सभी लोग जोरदार ना ना। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे देश अमेरिका के हमको हिंदुस्तान से बचाइए, तो ऐसा कैसे हो पाया? आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाया, आप लोगों ने बताया कि हमारा देश तब मजबूत होगा जब यहां एक मजबूत सरकार होगी, और वो मजबूत सरकार आप लोगों ने बनाई। इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे देश के अंदर एक प्रचंड बहुमत वाली मजबूत सरकार बनाई। अब बात आ गई है विधानसभा के चुनाव की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है आप लोगों के लिए कि 2022 तक हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे भाई बहन को पक्का घर देने का वादा किया है उन्होंने, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, सिर्फ वादाबाजी नहीं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे जितने भाई बंधु, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे दोस्त मित्र सभी लोग आज झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं यहां पे, उनके लिए भी पक्के मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, आप लोग बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसे कार्य के लिए आप लोगों को फिर से एक बार वही एकजुटता दिखानी है, वही ताकत दिखानी है। और जब आप बूथ पे जाइएगा तो बूथ पे जाने के बाद आपको ध्यान रहे, याद रहे, हो सकता है आप किसी जाति के हो सकता है किसी धर्म के हो, किसी बिरादरी के हो, लेकिन आप सभी लोगों का एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही बिरादरी होनी चाहिए, जैसे मेरी है। मेरा नाम जानते हैं आप लोग? मेरा नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी। और मैं यही चाहता हूं, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर आदमी अपने आप को हिंदुस्तानी की तरह समझे, जाति में धर्म में अपने आप को बांटने के बजाय अपने आप को हिंदुस्तानी समझना शुरू करिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, आपके देश को आंख नहीं दिखा पाएगी। ये ताकत आपके पास है, वो ताकत आप दिखाएंगे, और जब बूथ पे जाएंगे तो याद रखिए आलो, बल्कि घर से निकल आलो तो गावत जाइए आलो कि चलाए सखी चलाओ बहिनी वोट देवे, चलाए भैया वोट देवे, कहां कमल निशान पे चलाओ बहिनी वोट देवे, कमल निशान पर चलाओ बहिनी वोट देवे। पूछा लो काहे कमल के निशान पे वोट दिया ही? सवाल पूछा कहां कहां? आराम से भैया, तू लोग बैठ जाता तो पीछे वालन के लौगत, भैया भैया आराम से प्यार से, किसी को चोट ना लगे, सब लोग आराम से खड़े होके, और जिस तरह से आज आप लोग एक साथ एकत्रित होकर के अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद आप सब लोग देंगे हमारे कैप्टन साहब को, ये मैं उम्मीद रखता हूं। राजा बाबू देख ले वालों, के देख ले भैया राजा बाबू, तो राजा बाबू में जब हम गाजीपुर से मुंबई आईला तो एगो गेम खेली ला, कौन गेम? के बनी करोड़पति,
कितना? 5 करोड़ की 7 करोड़, 7 करोड़ याद है इनके। तो भैया हो बहनी हो, उमैन हमसे एक सवाल करे ना, रवि किशन जी कई सवाल करते हैं, आज एक सवाल मैं आप लोगों से करूं, आप लोग जवाब देंगे। आपके साइन कोलीवाड़ा के सबसे बढ़िया, सबसे लोकप्रिय, जीतने वाले, सबके दिल पर राज करने वाले ऐसे विधायक का नाम बताइए कौन है। सब लोग हाथ उठा के बताइए एक साथ। कैप्टन साहब, मैं अपने पूरे उत्तर भारतीयों की तरफ से आपका नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप इनके हितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आप इनके लिए हमेशा काम करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जब कैप्टन साहब को फिर से जिताएंगे, फिर से विधायक बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे भाई बहन के पास पक्का घर होना चाहिए, वो सपना हमारे कैप्टन से ना हुई थी। और उस घटना को देख के मैं इतना दुखित हुआ था, इतना द्रवित हुआ था कि मैं स्टूडियो में गया और जा करके 4 लाइन गाना गाया। और धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो गाना गाए मुझे 2-3 मिनट भी नहीं हुआ था और उन्होंने हम भारतीयों का सपना साकार कर दिया था। वही 2 लाइन सुनाता हूं, जब पुलवामा पे अटैक किया था आतंकियों ने, तो मैंने एक निवेदन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि अब ना छोड़िए पाकिस्तान के सबक सिखा द मोदी जी, सिखा द मोदी जी, सबक सिखा द मोदी जी, पाकिस्तान के अब होकर औकात बता द मोदी जी, सूतल जबले शेर रहे तबले कुत्ता ललकारे, अल्लाह को गीदड़ भागे ले जब शेर छपट्टा मारे, तब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा द मोदी जी। और घनवा गौले हमके 3 दिन ना भर रहे भैया, और सेना भेज के और पाकिस्तान के अंदर घुस के और आतंकवादियों के मारे का काम हमारे हिंदुस्तान के सेना कह ले रहे। ऐसा प्रधानमंत्री के प्रणाम है, सत सत नमन है। कमजोर जब सरकार होले तो देश कमजोर होला, और जब देश कमजोर होला तो हर आदमी कमजोर हो जाला। लेकिन हर आदमी मजबूत होला कब? जब देश मजबूत होके। और देश मजबूत कब हुई? जब वो मजबूत सरकार रही। आप लोगों ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में एक मजबूत सरकार चुना, हमारे भाजपा और शिवसेना के यूपी के उम्मीदवार को भी आप लोग उसी तरह से अपना पूरा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। और इतना बटन दबैया लो, मतलब एक आदमी कई बार, एक आदमी ये कई बार ही ना कि निरहुआ बटन दबावे पहले तो खुश होकर लग रहा लोग 3-4 बार दबावे। सब लोग जाकर के कमल का निशान और सामने हमारे कैप्टन साहब का नाम भी लिखल रही देख लिया लो, और जाके हाँ मसीनिया पे 2 नंबर है लेकिन जीत के 1 नंबर पे आवे के चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों की तरफ से कैप्टन साहब को यह वादा कर सकता हूं कि आप सब लोग कैप्टन साहब के साथ में हैं। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए भैया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिले के, और अगली बार जब आई तब तो हम लोग के बढ़िया से गाना होना सुनावेंगे।
साजबाज के साथ है और अभी कई कार्यक्रम वंदे वंदे सिर्फ 5 मिनट लेंगे 5 मिनट मेरा उत्तर भारतीय बहन भाई बहन सब काशी का है। मैं तमिलनाडु से इधर आया, मैं रामेश्वरम का है, काशी का रामेश्वरम का संबंध है, इसलिए हम लोग साथ में साइन कोलीवाड़ा का विकास कर रहा है। मैं आज प्रचार के लिए एक जगह गया हूं, मेरा एक जो जगह में रहने वाला बारदी कमला नगर में रहने वाला बोला था, भाई साहब आप अच्छा काम किया, भाई साहब आप रोड बनाया, भाई साहब मेरा दुकान तभी तकलीफ में